सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मी, आप सभी लोगों को मेरा न्यू व्लॉग में एंड मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एंड सुबह का समय है, सूरज भगवान को दर्शन कर लीजिए। मैं तो कर ली हूँ और बहुत दिनों के बाद आप लोगों को सूरज भगवान का दर्शन करा रही हूँ। और सुबह सुबह जो चिड़िया की आवाज़ आती है ना, बहुत प्यारा लगता है सुनने में। तो इसी वजह से मैंने जो म्यूट नहीं किया है सुबह का जो चिड़िया की आवाज़ है ना, तो आप लोग भी सुनिए। और उसके बाद इधर मैं बना रही हूँ चाय, और ये ना दो दिन पहले का क्लिप है, तो इधर दूध भी गर्म कर रही हूँ और उसके बाद मैं गर्मा गर्म चाय पीऊँगी। ये देखिए किस किस को पीना है, आ जाइए। और ये है आज का, यानी कि मंडे, आज मंडे है ना। तो आज मैं नहाई पूजा की, मंदिर गई, तो इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और सावन, ऐसे तो सावन पता नहीं कब तक, पूर्णिमा तक है शायद, तो आज भी मैं भी व्रत रखी हूँ। तो इसी वजह से मैं ना एक पहले का मैंने सूट ख़रीदा था, तो मैं सोची चलो आज ग्रीन सूट पहनते हैं। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना, और एंड मेरा सूट कैसे लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। एंड आप सभी लोगों को पसंद आता है मेरा जो भी ड्रेस हो, सूट हो, साड़ी हो, आप सभी लोगों को अच्छा लगता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो काफ़ी दिनों के बाद पहनी हुई ये ड्रेस, और गर्मी में ना फुल स्लीव्स का ड्रेस पहना नहीं जाता मुझसे आजकल, क्योंकि थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना, तो इसी वजह से। तो चलिए, मैं इधर नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी फूल बेलपत्ता लेने। और हम लोग में कहते हैं, हमारे नेपाली में कहते हैं, जो मंडे का दिन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन मैं तोड़ लेती हूँ कभी कभार। तो यानी कि संडे का, यानी कि शाम के सामने दोपहर के समय, जैसे कि 3-4 बजे करीब तोड़ के आप रख लो, बाहर ही रखो बेल का पत्ता तोड़ के, और नेक्स्ट डे मंडे को चढ़ाओ। लेकिन मैं आज जा रही हूँ, मंडे को ही तोड़ने जा रही हूँ और मंडे को ही पूजा करूँगी शिव जी को। तो इधर बकरी लोग भी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं बकरी लोगों को, और छोटा सा जो मंदिर दिखाई हूँ ना किसी और का है, तो मैं सोची चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, दर्शन भी कराती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ बेल का पत्ता लेने। और पूरा ग्रीन 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 हो रखा है अभी, तो मैं कहाँ जाती हूँ बेल का पत्ता लेने के लिए आप लोगों को दिखाती हूँ। सो हाय गाइस, मैं इधर आती हूँ बेल का पत्ता लेने। तो इधर आप लोगों को दिख रहा है, यानी ये देखिए, तो ये इधर पूरा गांव एरिया है, तो अच्छा लगता है मौसम। देखिए इधर देखिए गाय, तो इधर हूँ मैं, इधर ले ली हूँ कैरी बैग और अब तोड़ूंगी बेल का पत्ता। पीछे है बहुत बड़ा सा तालाब, दूसरे किसी का है। आपने दुनिया है। सो गाइस, चलिए तोड़ते हैं बेल का पत्ता। और मैं किस तरीके से तोड़ती हूँ देखिए, क्योंकि बेल का पेड़ जो है थोड़ा ऊंचा है, तो ये जो इधर डेस्क रखा हुआ है, तो इसे मैं चढ़ के मैं बेल का पत्ता तोड़ रही हूँ। और तो चलिए चलते हैं। और आज का वेदर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, गर्मी यानी कि धूप उतना नहीं है, मौसम ठंडा ठंडा है। और हवा इस जगह, तो इधर तो और भी हवा चलती रहती है क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इधर मनी प्लांट का पौधा आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बड़ा बड़े बड़े पत्ते हैं। और सुना है जिसके घर में मनी प्लांट हो उसके घर में जो पैसा की कमी नहीं रहती है। तो इधर मैं आ गई हूँ घर में और हाथ पांव धो के फिर अब मैं करूँगी पूजा। तो इधर मैं आ गई हूँ हाथ पांव धो के, तो चलिए आप लोगों को फूल वगैरह दिखाती हूँ एंड पूजा करती हूँ, और पूरा आज भगवान का मंदिर को साफ करूँगी। तो चलिए, मेरे ब्लॉग में बने रहिए एंड ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ बात बोलने वाली थी मैं, भूल गई, थोड़ी देर बाद बताती हूँ, याद जब आएगा। सो गाइस, बात याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ जो भी आ रहे हैं बताती हूँ। लोग मुझे देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी सही में पसंद करते हैं, फिर मेरे मुंह पे ऐसे ही बोल के जाते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुंह पे भी जो बोलते हैं सच ही बोलते होंगे। ऐसे देखिए, जो अगर पीठ पीछे बात करते हैं ना, तो वो मुँह के आगे कभी नहीं बोलते, अच्छी बात कभी नहीं बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। वो बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो बस इतना ही। और जो लोग मुझे पसंद करते पर्सनली, मुझे मुँह पे ही आके बोलते हैं, जो तुम वीडियो बनाती हो, ये करती हो, अच्छा है, बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो उनको थैंक यू सो मच। जो मुझे मतलब फेस टू फेस बोलते हैं,
और इधर ना मैं आ गई हूँ, भगवान का जो कपड़ा है ना बिछाने वाला वो धो के सूख भी गया, पतला सा है। और इधर मैं कर ली हूँ पूजा, और आज है नागपंचमी, तो आप सभी लोगों को हैप्पी नागपंचमी। तो इधर हमारे इधर आते हैं ब्राह्मण, ये नाग भगवान का जो फोटो है ना, भगवान का चित्र है, इस तरीके से लगा के जाते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं हम लोग, तो टीका वगैरह लगा के। और इधर पे मैं जो शिव जी मानी हूँ तो पूजा की हूँ, तुलसी जी के पास भी मैं पूजा की हूँ। और अब हो गया है शाम के समय, और इधर मैं पूजा कर ली हूँ और उसके बाद दिखा रही हूँ, क्योंकि इधर ना पूजा कर रहे थे एक फैमिली, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, पूजा करने के बाद थोड़ा सा वीडियो में बनाई हूँ। और कुछ बोलते समय अगर गलती हो गया ना तो उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी कहती हूँ। तो चलिए चलते हैं घर, हम जा रहे घर, पूजा कर ली हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अब मैं आ गई हूँ घर में, घर में आके भी पूजा की हूँ, और अब मैं बनाऊँगी प्रसाद, खीर, सेवई बनाऊँगी, सेवई का खीर, उसके बाद पूरी बनाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा भगवान को भोग चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो पहले तो मैं नमक नहीं खाती थी, अभी खाती हूँ, मतलब सिंधा नमक खाती हूँ। तो थोड़ा सा पूरी में, क्योंकि आटा जब गूंथती हूँ तो उसमें मैं ऐड की हूँ। और इधर मैं बना ली हूँ खीर, और अब मैं बनाऊँगी पूरी। एंड तो बस बने रही मेरे ब्लॉग में, एंड बस जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है, मैं व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके आगे मुझे नहीं आता। और एक बात, हाँ, आज ना मंदिर में किया हुआ मैं बताती हूँ। मंदिर गई ना तो एक फैमिली जो पूजा कर रहे थे, मैंने आप लोग को दिखाया, तो उन्होंने मुझे कहा, जो वो फैमिली वालों ने नहीं कहा सर, उनके साथ जो आंटी आई थी उन्होंने कहा जो शाम को शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाते। फिर मैंने पंडित जी को पूछा तो पंडित जी भी बोले, तो फिर मैं बोली जो मैं दिन भर में व्रत रखी हूँ तो शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाऊँगी तो मेरा पूजा कैसे, मतलब व्रत कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जल चढ़ाओ। तो फिर मैंने आके यूट्यूब में वीडियो देखा, सही में वीडियो, यानी कि जल नहीं चढ़ाते क्या शाम को, फिर वीडियो देखा जो नहीं, शाम को जल चढ़ाने से और भी अच्छा होता है। तो मैं शाम को इसलिए जाती हूँ ना, भीड़ भी नहीं रहता है और आराम से आप पूजा कर सकते हैं। और दिन भर व्रत रख के अगर आप शाम को पूजा करो ना, बहुत सुकून, अगर आप दिन भर व्रत रख के शाम को पूजा करो, जल चढ़ा के आके अपना व्रत तोड़ो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं शाम को ही जाती हूँ। और